नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेज। पीके स्पेशल क्लासेज में स्वागत है दोस्तों। गुरु पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है रिवाइज आंसर किया चुके, जो परमानेंट वैकेंसी थी उसकी रिवाइज आंसर किया चुकी है। और आप लोग ने चेक भी कर लिया होगा, बहुत सारा कमेंट मुझे मिला है कि किसी को लिंक अभी नहीं मिला है या अभी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि सुबह से ही वेबसाइट जो है सर्वर जाम हो गया था और यह वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही थी। कभी ओपन हो रही थी और कभी नहीं हो रही थी, तो अब जाके सही हो गई। अब वेबसाइट ओपन हो रही है। सुबह से मैं भी चेक कर रहा था, वेबसाइट एरर बता दे रहा था, कभी कभी ओपन भी हो जा रही थी। चूंकि लोड अधिक हो गया था, सभी लोग अपना अपना रिवाइज आंसर की चेक कर लिए थे, तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है कि जो जीरो कहीं कहीं किसी क्वेश्चन पे जीरो भी लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। तो आप सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं कि आप किस प्रकार से रिवाइज आंसर की चेक करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे गूगल में इलाहाबाद हाई कोर्ट डालेंगे, जैसे ही इस प्रकार से आ जाएगा, आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे वेब डायरी रिक्रूटमेंट का खुल जाएगा। सबसे पहला ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 का रिवाइज आंसर की आ जाएगी। यहाँ पे आज देखिए कल का डेट है। HTML पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप से पेज आ जाएगा, नोटिस का पेज आ जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 20/3/2018 से अर्थात आज से 23/3/2018 तक यह उपलब्ध रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। नीचे इसका URL दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए आप लोग को पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड पे आप देखेंगे तीन चीज लिखा हुआ है, साइनिंग फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस और रिवाइज्ड आंसर की। तो आपको रिवाइज्ड आंसर की में क्लिक करना है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है रिवाइज्ड आंसर की लिंक फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर ग्रेड 4 और कैटेगरी डी अर्थात ग्रुप डी। इन तीनों लोगों का जो है पोस्ट कोड 1, पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 का रिवाइज्ड आंसर की। इसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन कर लेंगे तो आप लोग का जो है रिवाइज आंसर की आ जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके मैच कर सकते हैं और आप लोग अपना अपना जो है मैच करके बताइए कि कितना नंबर आप लोग का हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो है जीरो का क्या मतलब है, क्योंकि जैसे ग्रुप डी का या ग्रुप सी में जिसमें भी है जो जीरो आ गया है, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए जो है बुकलेट नंबर ए है, बुकलेट ए है और जो है ग्रुप डी की ये है आंसर की। इसमें देखिए 33 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा जीरो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है अर्थात क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है और इसका नंबर सभी लोगों को मिलेगा, अर्थात एक एक नंबर सभी लोगों को मिलेगा, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया है या नहीं किया है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। एक एक नंबर सभी लोगों को मिलेगा। मैं आपको रिपीट करता हूं कि चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया है या नहीं किया है, सभी लोगों को एक एक नंबर मिलेगा। इसी प्रकार ग्रुप सी में भी आप देख लेंगे, स्टेनोग्राफर में और ड्राइवर में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आप लोग अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने नंबर आप लोग का बना है। वैसे मैंने तो अपना आप लोगों को बहुत पहले ही इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। यदि नहीं चेक कर पा रहे हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ इसका एक्सपेक्टेड जा सकती है। और आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर शेयर करें कि आपका कितना नंबर हुआ ग्रुप डी में या ड्राइवर में या स्टेनोग्राफर में, ताकि और लोगों का कन्फर्म पता चल सके। और साथ ही मैं दोस्तों ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीरो का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जीरो का मतलब फिर से मैं बता देता हूं कि सभी लोगों को एक एक नंबर मिल जाएगा, चाहे आपने ऑब्जेक्शन किया है या नहीं किया है। और मैं इस जो है जो मैंने लिंक आपको दिखाया था जिससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना, उसका आप लोग को इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना चेक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से दोस्तों चेक कर सकते हैं। अब वेबसाइट रनिंग हो गई है, कोई इशू नहीं आ रहा है, सुबह से थोड़ा प्रॉब्लम थी अब सही हो गई है। तो आप लोग चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।